मेरे को वीज़ा कौन सा मिला है, अगर कोई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया इंडियन गवर्नमेंट, अब तीसरी बार उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो उनको वीज़ा मिल गया, कहता कि ये मेरा दोस्त है इसको इंडिया आना है घूमना है, तो वो हर भाई की वीडियोज़ को देख के फीलिंग्स आ रही हैं। अब देखो जब हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और आपका बड़े मज़े से रमज़ान गुजर रहा होगा। तो ईरान की सीरीज़ खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि किस चीज़ तो किस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाएँ, तो मेरे सबसे पहले माइंड में आया कि जो आजकल ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत ही ट्रेंड में जा रही है, चले उस पर एक वीडियो बना लेते हैं। आप सभी इब्रार भाई को लाजमी जानते होंगे, इब्रार भाई पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर हैं और मुझे तो बहुत पसंद है उनको, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उनको, तो उनकी सीरीज़ बहुत मज़े की लग रही है, मैं भी खुद बहुत इंजॉय कर रहा हूँ उनकी सीरीज़। लेकिन उनको ट्रैवल करते हुए आपके माइंड में ये सवाल तो लाजमी आया होगा कि इब्रार भाई को वीज़ा कौन सा मिला है। अगर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उनके पास जर्मन पासपोर्ट है तो उनको वीज़ा मिल सकता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो वीज़ा नहीं मिल सकता हमें, तो जनाब आप गलत हैं। आपकी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला वीज़ा ज्यारती वीज़ा होता है, जो ख्वाजा मोहिउद्दीन औलिया का जो उर्स होता है, आप इस तरह के और भी काफ़ी सारे उर्स होते हैं, आप वो उर्स अटेंड कर सकते हो। उसकी डिटेल काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी होंगी यूट्यूब पर ऑलरेडी, लेकिन वो उर्स बहुत उस उर्स में भी काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। आपने 8 महीने पहले अप्लाई करना होता है, कुरानदाजी होती है, आपका नाम निकलता है, पुलिस वेरीफिकेशन होती है, और वो आप ग्रुप की सूरत में जाते हो, आप अकेले नहीं जाते, आप ग्रुप की सूरत में पैकेज पैक करके जाते हो 14 से 15 दिनों का, और वो भी मतलब जैसे बताया कि 8 महीने पहले आपको अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर बीमार है और उसने इलाज कराना हो इंडिया से, तो उसके साथ आप जा सकते हो वीज़ा लेके, लेकिन वो भी काफ़ी महदूद होता है। आपने सिर्फ उसी सिटी के अंदर रहना होता है, सिटी से बाहर नहीं जाना होता, मतलब हॉस्पिटल के इर्द गिर्द रहना तो उससे बाहर नहीं जाना होता। जो ज्यारती वीज़ा होता है वो भी आपने उसी सिटी के अंदर रहना था, 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं निकलना होता, आपको अलाउ ही नहीं होता निकलना। और जो उनको वीज़ा मिला है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरे इल्म है, तो वो वीज़ा भी ऐसे नहीं मिलता। किसी इंडियन जो चौथा वीज़ा होता है वो कोई इंडियन होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको इन्वाइट करता है, इन्विटेशन लेटर बनाता है प्रॉपर, कहता है कि ये मेरा दोस्त है इसको इंडिया आना है घूमना है, तो वो आपकी मुकम्मल जिम्मेदारी उठाता है कि मैं इस बंदे की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, मैं इस बंदे के साथ पूरे ट्रिप में इसके साथ होऊंगा। तो आप अक्सर वीडियो में देखें ना, जो उनके दोस्त हैं वो उनके साथ साथ ही जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो उनके साथ ही होते हैं, क्योंकि वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है कि जिस बंदे ने आपको इन्वाइट किया होता है वो बंदा आपके साथ साथ जाए जहाँ जहाँ आपने जाना है। और जो उस वीज़ा और जब उस वीज़ा को लेने के लिए आपने पूरा प्लान पहले से बताना होता है कि हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे लैंड करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रुकूँगा, तो पूरा ए टू जेड आपने उनको प्लान देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को। अब इतना देखें, एक तो जर्मन पासपोर्ट हो, ऊपर से इब्रार भाई माशाल्लाह काफ़ी फेमस यूट्यूबर भी हैं, तीसरा इनविटेशन लेटर भी हो, एक बंदा पूरी जिम्मेदारी भी उठा रहा हो, फिर जाके उनको वीज़ा इशू हुआ और वो अपना एक ख्वाबों में से एक ख्वाब अपना पूरा कर रहे हैं, जो कि मेरा भी ख्वाब है इंडिया को विज़िट करने का। अरे इब्रार भाई की वीडियोज़ देखे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में और घूम रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, 20 से 30 मिनट की वीडियो होती है और वो कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतनी मज़े की वो वीडियो बना रहे हैं। वो वैसे फ़िलहाल पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन उनकी सीरीज़ जो इंडिया की वो चल रही है। थैंक यू सो मच करके आप इंडिया के और हमें आप ये एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो काफ़ी टाइम से हम लोग लेना चाह रहे थे। वैसे इंडिया में काफ़ी लोग जा चुके हैं, मतलब इंग्लिश ट्रैवलर्स भी वहाँ पे जाते हैं, इंडियंस खुद भी काफ़ी सारी ट्रैवलिंग वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन जो इब्रार भाई की वीडियोज़ देख रहा हूँ उनसे कोई अलग ही इमोशनल अटैचमेंट हो गई है मेरी, एक अच्छा लग रहा है देख के। उम्मीद करता हूँ किसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी एक अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, कभी टॉपिक्स मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो इस तरह ऐसा ऐसा वीडियोज़ आती रहेंगी और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।